हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज हुड्डा। मैं आज आपको डिवोल्ट 7492 DWE के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। मैंने ये पर्सनल यूज के लिए परचेज किया था। इसकी कॉस्टिंग होती है 40,000 से लेके 45,000 रुपये। ये नया मॉडल है अभी जो डिवोल्ट ने अभी जो निकाला है। तो इसकी कुछ डीप जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी बातें मैं आपको बताता हूँ। एसेसरी वगैरह इसकी जो इसके साथ आते हैं, गेज अपना जो गेज कैसे निकालते हैं, इसका जो नाइफ है वो कैसे होल्ड करते हैं, जो वायर्स है वो कैसे इसमें, मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको कहीं नहीं मिलती। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी जो साथ एसेसरीज आती हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है, अगर आप इनके इंजीनियर से पूछोगे वो भी प्रॉपर डीप नहीं बता पाएंगे। अब जैसे आपका, मैं आपका गेज से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका मीटर गेज बोलते हैं इसको। और ये अब लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने काम कर लिया, दाएं फेंक दिया बाएं, ऐसे डालने से जो इसकी एक्यूरेसी है वो सपोज करो एल्युमिनियम है, टेढ़ा हो जाता है लाइक, और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्मूथ नहीं रहता है। तो मैं इसको हैंग करने का, जो कि कंपनी ने खुद इसके अंदर हैंगर्स दे रखे हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ गेज से। देखो दोस्तों, जहाँ टेबल सा का जो एग्जिट पॉइंट होता है, जहां से डस्ट बाहर निकलती है, उसके सामने आपको ऐसा एक हैंगर दिखाई देगा। उसमें ऐसे आपको स्ट्रेट करके अंदर थोड़ा सा फोर्स लगेगा, इसमें ऐसे आपको पुश करना है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हिलाते हुए और ये अंदर फिट हो जाता है। ये देखिए, ये इसका हैंगर है। अब ये यहाँ पे सेफ है। अगर आप इसका मीटर गेज का यूज नहीं कर रहे तो आप प्रॉपर इसका जो स्टैंड बना हुआ है जो कंपनी ने दे रखा है, तो उसको वहां इसको लगाएं। अब मैं आप इसको निकाल के इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं अब इसको आपका यूज बताता हूँ। ये इसमें कंपनी ने अंदर इसका खाचा दे रखा है जिसमें ये ऐसे डलेगा। और मीटर गेज का काम होता है जैसे ये ना, इसमें डिग्रीज दे रखी है 90 डिग्री। ये इसको आप घुमाओगे अपने आप, जैसे जितने एंगल पे इसको करना है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करोगे। ये देखिए, ये आपका 90 से 30 राइट में और लेफ्ट में, जितना आपको डिग्री ऐसे ये स्लाइड होगा इसको, जिस जैसे मैंने अभी ये 60 पे सेट कर दिया। आपको कोई अगर कोई भी वुड पार्ट लकड़ी जो आपको 60 एंगल पे काटनी है तो वो उसको ऐसे ये ब्लेड बाहर आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने ये 60 पे कर दिया। अब ये ब्लेड वहाँ के हैंडल है, उससे आप लिफ्ट करोगे तो ये ऐसे ना 60 के एंगल पे कट कर देगा। इससे रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस लोगों ने डाल रखी है, पर मैं कुछ आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा। ये तो आपका मीटर गेज का। अब मैं आपको पुश स्टिक के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पैरेलल गेज इसको बोलते हैं। ये आपको यहाँ इसके मीटर दिया होता है, या फिर आप मेजरिंग टेप से आप इसको मेजर कर सकते हैं आपको कितने इंच का काटना है। तो इसके साथ ही पुष्टि कंपनी देती है। ये ठीक है, क्वालिटी इसकी कोई बुरी नहीं है। ये आप जब ज़्यादा क्लोज आप वुड काटते हो उसमें यूज होती है। इसका स्टैंड यहाँ पे होता है पैरेलल गाइड के साथ में। ये देखिए देखिए दोस्तों, इसको ऐसे इसमें हैंग कर देते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है आप यहाँ से इसको निकाल के यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, इसको बोलते हैं ब्लेड गार्ड असेंबली। ये प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। इसमें आपका एक एग्जॉस्ट भी होता है, यहाँ से भी डस्ट। इसमें एक्चुअली अलग से वैक्यूम क्लीनर लगता है, जो डस्ट कलेक्टर जो होते हैं उनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ लगता है, एक इसके एग्जॉस्ट जो थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मैं अभी इसको आपको हैंग करने का, जो कि कंपनी ने इसमें स्टैंड बना रखा है मशीन में, जो लोगों को नहीं पता होता, हम इसको यूज करके दाएं बाएं फेंक देते हैं। अभी जैसे प्लास्टिक या शीशा टाइप है ये टूट जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसमें कोई हार्म ना हो, कंपनी ने इसमें हैंगर दे रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इसमें कंपनी ने यहाँ जो राइट साइड में है एक ये इसका हैंगर है, और एक यहाँ पे ये देखिए आप, ये लॉकिंग सिस्टम है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले आप इसको यहाँ ऐसे रखिए, आप
इसमें ये खाचा है, आप इसमें इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पुल करके और इसको घुमा देंगे। ये देखिए अब ये दोस्तों यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ना ये ब्रेक होगा, ये सेफ्टी पॉइंट से कंपनी ने दे रखा है कि आपकी एसेसरी डैमेज ना हो। ये देखिए दोस्तों ये इसका एग्जिट पॉइंट, जहाँ से हम जब इसको कटिंग मशीन को ऑन करते हैं, लकड़ी को जब कट करते हैं, जो बुरादा होता है, जो इसका एग्जिट पॉइंट होता है, ये उसकी एसेसरी होती है। ये मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ फिट हो जाती है और इसके आगे वैक्यूम क्लीनर अटैच होता है। ये आपका डिवोल्ट का भी मिलता है, बोस का भी मिलता है, मकीता भी, हर एक कंपनी का होता है, लेकिन वो आप जब भी आप परचेज करें तो उनको उसका पर्पज़ बताएं, वो उसके हिसाब से जो दुकान या जहाँ से भी आप परचेज करते हो उसके बारे में पढ़ के तब लें, वो इसमें अटैच हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका जो डस्ट निकलता है, 90% डस्ट आपका वो शक कर लेता है और बाहर कोई बुरादा या गंदगी नहीं फैलती, बहुत बारीक होता है ना मात्र। अब ये देखिए दोस्तों लोग ऐसे ना यूज करके वायर को नीचे डाल देते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे मशीन जो लोग यूज करते हैं उनकी वायर कट जाती है, जो सेफ नहीं है, हार्मफुल है। और इसका भी कंपनी ने एक फोल्डिंग पॉइंट दे रखा है, हम प्रॉपर तरीके से उसको, हम ये देखिए हम यहाँ इसको ना ऐसे राउंड राउंड करके इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए अब आपकी वायर भी सेफ है, कटेगी नहीं और कोई करंट वगैरह लगने का कोई ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ इसकी। देखिए दोस्तों अब मैं इसका आपको ऑन ऑफ का बताता हूँ। जब आप केबल आप अटैच कर देते हो पावर प्लग में, उसके बाद ये आपका ऑन का स्विच है, जब आप ऑफ करते हो तो कंपनी ने ये बाहर से दे रखा है ताकि आप जल्दी से ऐसे टच करने से ये स्टॉप हो जाता है। इसके साथ में ये व्हील है, इसमें एक ग्रिपर है, इससे आपका जो ब्लेड है वो ऊपर की तरफ जितना आप चाहते हैं लकड़ी के हिसाब से 17 mm, 18 mm, 16 mm, 7 mm आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में ये एक लीवर दे रखा है कंपनी ने, ये देखिए इसमें जो गेज सिस्टम है, आप इसको 10 डिग्री, 11, 12, 13, 15, 20, मतलब 45 डिग्रीज तक आप इसको ब्लेड को टिल्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई एंगल काटना है ये उसके लिए भी यूजफुल है। और दोस्तों दो इसके साथ स्पेंसर्स आते हैं, जो आप ब्लेड इसके साथ नहीं आता है, ब्लेड आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग 2000 2500 के आसपास है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टीथ का लेते हैं। अब दोस्तों मेरे को यूज करते 1 साल से ऊपर हो गया, मेरा पर्सनल यूज होता है तो मेरे को ऐसी आज तक इसमें कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आती है जो डिवोल्ट की हर एक मोटर के अंदर आती है। जब आप मशीन को स्टॉप करते हैं तो मोटर के बैक साइड से, जो इसका मोटर है वो 2000 वॉट का है, तो वहां से एक स्पार्क मतलब तेज रोशनी टाइप सी निकलती है, जो कि इनके पहले भी प्रोडक्ट में होती थी। कंपनी कहती है कि हमने उसमें सुधार कर दिया, लेकिन मेरे को एज इट इज ही लगता है। वैसे परफॉर्मेंस वाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा यही है कि आदमी को एक बार झटका सा लगता है जब आप मोटर को स्टॉप करते हो, तो कंफर्टेबली स्टॉप नहीं होती, एक बार चमक सी निकलती है पीछे से, ऐसे पूरी तेज लाइटिंग सी, जिसे जो नया बंदा है वो सोचता है कि भाई इसमें कोई दिक्कत है या ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मोटर की ऐसी परफॉर्मेंस कंपनी की है, लेकिन सुधार करने की कह रहे थे, लेकिन अब तक कोई इसमें सुधार है नहीं। अब दोस्तों मैं इसका आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूं। ये मैंने मकीता भी चेक किया है, उसमें पैरेलल गाइड छोटा है, उसमें मेरे को बहुत सारी नेगेटिविटी दिखी, इसलिए मैंने ये प्रॉपर चेक करके मैंने डिवोल्ट को अपने लिए लिया था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी क्वालिटी, इसमें प्लास्टिक पार्ट बहुत कम यूज है, जो स्लाइड करने के लिए इसमें पैरेलल गाइड अंदर बाहर जाती है वहां भी एल्यूमिनियम का यूज है, प्लास्टिक का नहीं है, जो गिरारी जो आप बोलते हो, रोड्स जो हैं वो लोहे की हैं प्रॉपर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बारिश में कुछ टाइम के लिए ये बाहर रह गई थी, तो उसके बावजूद इसका जो बेस है, जो इसका फ्रेम है, वो इतना बढ़िया कोटिंग कंपनी ने करके दे रखी है, उसमें 1% भी कहीं भी नोक, सुई की नोक जितना इसमें रस्ट नहीं है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और मेरा तो अपना मानना ये है, जो कमर्शियल यूज करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। कंपनीज की जो वारंटी है 1 साल देती है, अदर कंपनी 6 महीने की देती हैं, लेकिन अब तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। मैंने इसको अच्छा खासा यूज किया अपने घर के यूज के लिए,
जो भी इसमें अलग अलग एंगल्स हैं, मतलब मोस्टली ये अगर कोई कमर्शियल यूज करता है, प्रोफेशनल या पर्सनल यूज करता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें एंगल सेट हो जाते हैं, मेरे को ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये लें। किसी हूँ जो कि मैंने 2-3 डेमो लिए थे, उनमें सबसे बढ़िया मेरे को ड्यूरेबल यही लगा, इसलिए मैंने ये परचेज किया। दोस्तों मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने 2-3 डेमो लिए, मैंने खूब इसके बारे में रिसर्च करी, मैंने पता किया, तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो आशा करता हूँ आपका भी बहुत अच्छा होगा। और आज इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई इसके बारे में डिटेल पूछनी है या कुछ भी है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, मैं बता सकता हूँ। मैंने डीपली इसके बारे में बहुत सर्च किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरे को कुछ पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद।